हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुनीति के अल्टीमेट सीरीज जो अपनी चली आ रही थी, बीच में किसी कारणवश इसको रोक दिया गया था। आज ये वीडियो आपको जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। इवोल्यूशन के दो पार्ट पहले यतेंद्र जी और इशाद सर ने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, और अब जो रिमेनिंग तीन पार्ट हो रहे हैं इवोल्यूशन के, वो मैं और मेरे साथ हैं चंदेलिया जी सर, तो हम इसको कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम भी पास आ गया है, डेट भी आ गई है एग्जाम की, नो डाउट एकदम कूल होते हुए। और अब एक्चुअल में इन गुरुनीति के जो वीडियोज हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो निकल कर सामने आएगी। ठीक है, और कोई भी रिपीटर बच्चा अगर घर पर बैठा है अभी भी ये सोच विचार में है कि तैयारी कर रहा था, नॉर्मल तैयारी चल रही थी, भैया CLC ने जो है 12 अप्रैल से क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग कर दी है, और ये क्रैश कोर्स नो डाउट अपने आप में अल्टीमेट है। आप अपने कंप्लीट सिलेबस को जो है गो थ्रू आउट हो जाओगे, 90 लेक्चर के अप्रोक्सीमेट ये आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज से ही चालू हुआ है, तो आप एज सून एज पॉसिबल इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन करें। ठीक है, तो मैं सुनील सोरान, टीम बायोलॉजी CLC सीकर, और मेरे साथ हैं मनोहर चंदेलिया, जूलॉजी फैकल्टी, टीम CLC सीकर जी। तो दोस्तों शुरुआत करें बिना किसी विलंब के, चले सर। यस सर, ये लीजिए आपकी कलम, स्टार्टिंग करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, ए पॉपुलेशन एग्जिबिटिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पजेज रिसेसिव ट्रेट इन 25% ऑफ इंडिविजुअल, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इन जीन पूल ऑफ सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हार्डी विनबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? एक तो इक्वेशन आपको याद रखनी है, एक मिनट इसको मार्कर को अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पी एक क्यूब, ठीक है, ये तो आपको एलील्स बताने हैं, इसमें आपको डोमिनेंट एलील की बात करेगा और यहाँ पर रिसेसिव एलील की बात, बिल्कुल। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अपनी पी प्लस क्यू बन जाती है चंदेलिया जी, वन एक तो ये काम में लेनी है इनको। ठीक है, जब डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें, एलील फ्रीक्वेंसी की या रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो पी और क्यू आपको काम में लेना है। और अगर क्वेश्चन में पूछ ले इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इनके स्क्वायर आएंगे, क्यों? तो फिर वो वाली कंडीशन आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो डोमिनेंट या रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी दे, और डोमिनेंट या रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी ही पूछ ले, तो इक्वेशन ये काम आ जाएगी अपनी। और अगर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, हेटरोजाइगस इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, रिसेसिव इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, तो फिर ये अपने को काम में लेना है। बस यही फंडा आपको याद रखना है भैया। तो आ जाए क्वेश्चन की ओर, अप्रोच कर लेते हैं। ए पॉपुलेशन एक्टिविटी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पजेज रिसेसिव ट्रेट इन 25%। अब रिसेसिव कौन सी है? रिसेसिव ट्रेट दे रखी है, रिसेसिव ट्रेट मींस कौन सी सर? क्यू की बात कर रहा है, क्यू की वैल्यू, तो क्यू अपने को दे रखा है 25%। ठीक है, इसको अपन 25/100 भी लिख सकते हैं। और एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है कि ये हार्डी इक्विलिब्रियम पजेज रिसेसिव ट्रेट, ट्रेट पूछ रहा है, ट्रेट बोल दिया, ट्रेट मतलब वो एक्सप्रेस हो रहा है, और एक्सप्रेस तो एलील कब होगा? जब वो ग्रुप में आएगी, और ग्रुप में आएगी इसका मतलब क्यू स्क्वायर की ये बात कर रहा है। क्यों? तो क्योंकि क्यू स्क्वायर सिंप्लीफाई होकर अपना 25/100 बन जाएगा ये, क्यों जी? और क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा 25/100 का, और 25 का अंडर रूट होता है, सबको पता है 5, और 100 का होता है 10, ये अपना आ गया 0.5। तो 0.5 वैल्यू आ गई अपनी क्यू की। अब अपने को पी निकालना है, अपने को पूछा क्या, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील ही पूछा है, तो रिसेसिव एलील अपने पास डायरेक्ट आ गया, अपने पास डायरेक्ट आ गया 0.5। क्यों? डोमिनेंट आता तो अपने को 1 माइनस कर देते इसको, हां, और डायरेक्ट वो पूछ रखा है पहले रिसेसिव एलील का पूछा, तो डायरेक्ट ही वैल्यू अपने को पुट अप करनी है, 0.5 आ जाएगी। एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन में अगर डोमिनेंट की बात कर लेता तो अपने को 1 माइनस 0.5 कर देना है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जी सर, इफ द जेनेटिक एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन इज चेंज्ड ड्यू टू डेथ ऑफ सम ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलेमिटी। जब भी ऐसी क्वेश्चन की बात करें, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं, शानदार क्वेश्चन, हां बताइए सर, क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये इंडिविजुअल अपने नेटिव प्लेस को या ज्योग्राफिकल प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह, हाँ दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, इसका मतलब सिंपल लॉजिक लगाना है अपने को, एक ज्योग्राफिकल एरिया में इंडिविजुअल थे,
उनमें से कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल की डेथ होगी, रिमेनिंग इंडिविजुअल वहां रह जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और नई तरह की पॉपुलेशन तैयार करते हैं। नई तरह की पॉपुलेशन इस कंडीशन में तैयार करें, बॉटल नेक इफेक्ट। बिल्कुल, तो इसके लिए आंसर कौन सा चला जाएगा? बॉटल नेक इफेक्ट चला जाएगा। और बॉटल नेक इफेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको इस प्रकार समझाया गया है, कुछ ये एक बॉटल हो गई अपनी, ठीक है, इसी के ही प्रॉक्सिमिटी में ये अनदर बॉटल होगी। इसका मतलब जैसा जियोग्राफिकल एरिया था वही जियोग्राफिकल एरिया सेम रह गया। इसमें बहुत सारी स्पीशीज पाई जा रही थी, जैसे ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन पाई जा रही थी यहाँ पर, इनमें से कुछ की डेथ हो जाती है और कुछ ही रिमेन रह जाती हैं, और ये जो रिमेन रह गए हैं ये रिप्रोड्यूस करके नई पॉपुलेशन का फॉर्मेशन कर देंगे, बॉटल नेक इफेक्ट कहलाएगा। और अगर दे देता जियोग्राफिकल एरिया चेंज हो जाता है तो ऐसी वाली कंडीशन में फिर वो नई जगह जाकर फाउंडर की तरह एक्ट करते हैं और फाउंडर इफेक्ट वो कहलाता, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 88। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पैथोजन एंड पेस्ट इन लेसर टाइम पीरियड। तो रोधी पीड़क जातियों के कम से कम समय में खुद विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? तो जहां पेस्ट रेजिस्टेंस और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस की बात हुई है तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा होने वाला इवोल्यूशन कहलाता है। क्लियर, इसको अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे मच्छरों को भगाने के लिए अपन ऑल आउट काम में लेते थे, मॉस्किटो बन गए, बिल्कुल एंथ्रोपोजेनिक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही जो है वो इसमें हम बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं, वो क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। तो ये जब ह्यूमन अपने पर्पज के अकॉर्डिंग जो है वो अगर उसमें किसी नए तरह के मॉडिफिकेशन करके नई तरह की स्पीसीज को इवॉल्व कर दे, वो सारे क्या होते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, क्यों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 89। व्हेन इज सम मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन माइग्रेट टू न्यू प्लेस। हाँ, अब दे दिया इसने कि नई जगह चला गया है to new place and result the establishment of new population, these member are called migrate to new place। ये बहुत important बात है, और नया geographical area उसने attend कर लिया है तो इसे क्या कहते हैं? ये हाँ important बात ये है, these member are called, ये effect तो क्या कहलाता? Founder effect कहलाता, लेकिन ये member क्या कहलाते हैं? ये वहाँ founder की तरह act करेंगे। तो बच्चा क्या देखता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन फाउंडर इफेक्ट आ गया, बच्चा टिक कर देता है। क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है भैया, तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, दीज मेंबर, मेंबर पूछा है तो मेंबर तो क्या कहलाएंगे? फाउंडर कहलाएंगे। इसमें माइन्यूट थोड़ी सी गलती कर दी क्वेश्चन पढ़ने में, आंसर गलत, आंसर गलत। इसमें क्या है, आप लास्ट तक क्वेश्चन को ढंग से तसल्ली से पढ़ेंगे, इसमें रियल में पूछा क्या है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे, करेक्ट आंसर जाएगा फाउंडर इफेक्ट में चले गए बिना सोचे समझे, एक ही दिमाग में आएंगे हाँ ऐसा होता है, फाउंडेड इफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गलत हो जाता है। जी जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डार्विन, फिंचेज की बात कर रहे हैं, और डार्विन ने जो डिस्कवर किया था गैलापागोस आइलैंड पे, जो फिंचेज को डिस्कवर किया था, उसकी कॉमन सी बात है कि उनका ओरिजिन कहां से था? सेंट्रल जो अमेरिका है वहां से ही कोई स्पीशीज जो है वो अपने अडेप्टेशन के लिए डिफरेंट आइलैंड पे माइग्रेट कर गई थी, और ये क्या कहलाती है? डार्विन फिंचेज कहलाती, और इस प्रकार का ये जो अडेप्टेशन है ये क्या कहलाता है? अडेप्टिव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, क्यों? तो दीज इवॉल्व बाय द अडेप्टिव रेडिएशन, बिल्कुल ठीक बात है, और ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल भी बनता है। दीज वर इवॉल्व फ्रॉम सीड ईटिंग एंसेस्टर्स, जो सेंट्रल अमेरिका में पाए जा रहे थे वो सीड ईटिंग एंसेस्टर से ही डिफरेंट बीक शेप की जो डार्विन फिंचेज है, डार्विन की फिंचेज जो अलग अलग आईलैंड पे मिली थी उनकी शेप, जो बीक की जो शेप है उसमें डिफरेंस देखने को मिला। उसमें सर जैसे जैसे फीडिंग नेचर चेंज हुई, फीडिंग नेचर चेंज हुई, वैसे वैसे कुछ फ्रूट ईटर हो गए, कुछ इंसेक्टिवोरस हो गए, तो जैसे जैसे फीडिंग नेचर चेंज हुई उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? उसको अडेप्ट करने के लिए बीक की शेप में चेंज किया, बीक की शेप में चेंज करते अलग अलग स्पीसीज बन गई, तो वो सीड ईटिंग एंसेस्टर से बोल रहे हैं। दीज रिप्रेजेंट द ब्रांचिंग डिसेंट, बिल्कुल ये बात भी ठीक है क्योंकि ये डार्विन का ही नॉमिना है, ब्रांचिंग डिसेंट, तो तीनों ही बातें ट्रू हो गई, अपने से ट्रू ही पूछा है, इसका मतलब ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट चला जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉपुलेशन। जेनेटिक इक्विलिब्रियम हार्डी-वेनबर्ग को अफेक्ट करने वाले एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग बात करो तो 5 फैक्टर है भैया, कौन कौन से? जीन माइग्रेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, और उसके अलावा 3 यहाँ भी दिए हुए हैं, एक म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, एक नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है,
और इसके अलावा एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रैंडम मेटिंग बोलते हो या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हो, ये है। तो ये पांचों फैक्टर आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा हो गया? जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन एक म्यूटेशन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा, और एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब आ जाएं एक बार, क्या बोलते हैं हार्डी विनबर्ग, एक आइडियल पॉपुलेशन की बात करते हैं जिसमें कोई भी एलील फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ऐसी पॉपुलेशन नेचर में पॉसिबल है ही नहीं जिसमें कोई इंडिविजुअल का इमाइग्रेशन नहीं हो, कोई इंडिविजुअल पॉपुलेशन से बाहर नहीं जाए, इमाइग्रेशन नहीं हो। तो ऐसी पॉपुलेशन एक मिनट से, जैसे अब इसमें आप सपोज देखिए, मान लो कि बाकी जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं हो रहा है, जीन माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हो, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, एक बार समझ में आ रही, क्रॉस ओवर होगा वहां जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये क्या बता रहा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी उसको इफेक्ट करता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनमें से पांच फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर काम कर जाए तो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा। तो ये ऐसा अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां इनमें से कोई भी एक फैक्टर उस पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि जीन अगर माइग्रेट होगी तो उसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, फिर प्लस क्यू बराबर 1 नहीं रह पाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर अचानक फ्लो हो जाएगा, जीन फ्लो अगर सडनली हो जाता है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है लार्ज नंबर में। नेचुरल सिलेक्शन अगर एस्टेब्लिश होता है तो नेचर कुछ को सिलेक्ट करेगी, कुछ को नहीं करेगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहां रहा, वहां भी इक्विलिब्रियम, वहां भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अगर म्यूटेशन होता है तो कुछ म्यूटेशन बेनिफिशियल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, अपने को पता है, तो इसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो बेटर को अडॉप्ट किया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर अगर ये पांच फैक्टर जहां होंगे वहां हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं लगेगा, आ जाए। एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन जरूरी है इसके लिए। स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर होगा तो उसमें से इंडिविजुअल जाए, या इंडिविजुअल एक क्लास में 300 बच्चा बैठा है, उस 300 बच्चे में से दो बच्चा चला जाए या दो बच्चा आ जाए, टीचर को नहीं पता लगेगा। और एक क्लास में बच्चा ही 10 बैठा है, उसमें से दो बच्चा चला गया या दो आ गया, टीचर को एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कुछ तो हुआ है इस पॉपुलेशन में। तो स्मॉल साइज नहीं, लार्ज साइज होनी चाहिए। और आपने से ये पूछा है कि नॉट रिक्वायर्ड, कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये भी है, एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल ये भी होगा हार्डी विनबर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, Which of the following is not evolved from common ancestor? Common ancestor से कौन सा evolve नहीं हुआ है? तो इसके लिए NCERT का एक flow chart आपको दे रखा है, उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आप देखें कि जो amphibian ancestor बने थे वहां से sauropsid बना और synapsid बना, क्लियर। इसी को ही एक 94 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पर ये चार्ट भी दे रखा है, वहीं से अपन देख लेते हैं। तो पेलिकोसॉर्स एक अलग एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड डायनासोर अलग एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल, बर्ड्स और डायनासोर सेम एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और पेलिकोसॉर्स अलग को करेगा। तो इसका एक बार फ्लो चार्ट बच्चों को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आप यहाँ पर आ जाए, ये अर्ली रेप्टाइल्स यहाँ दे रखा है, यहाँ देखें एक सोरोप्सिड दे रखा है, एक साइनेप्सिड दे रखा है। तो साइनेप्सिड जो एंसेस्ट्री है वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगी आगे चलकर, फिर पेलिकोसॉर्स एक्सटिंक्ट हो गए, थायरेप्सिड को, और उससे फिर मैमल्स को। जबकि दूसरी ओर कहा है बर्ड्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड, स्नेक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सोरोप्सिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों। तो अब क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं अपन, अपना क्वेश्चन नंबर 92। तो पेलिकोसॉर्स जो है वो पेलिकोसॉर्स कहाँ है, यहाँ पर अगर बात करें तो पेलिकोसॉर्स कहाँ आ गया, अपने सोरोप्सिड से आ गए, ये साइनेप्सिड से आ गए पेलिकोसॉर्स, क्यों। तो पेलिकोसॉर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइनेप्सिड को, और बाकी क्रोकोडाइल वगैरह किसको, बर्ड्स, सोरोप्सिड एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट जो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो एनसीईआरटी के दोनों ही फ्लोरा और फौना के जो फ्लो चार्ट दे रखे हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एग्जाम के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोच के चलें, इवोल्यूशन और एप्लीकेशन जियोलॉजी दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इसमें हर एक पॉइंट, हर एक लाइन जो है
वो इम्पोर्टेंट होती है जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। एक्चुअल में एनसीईआरटी भैया इतनी सी तो एनसीईआरटी 11th और 12th की, और उसमें से क्वेश्चन बनना है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट। ये 360 नंबर 50% कवरेज करता है वहां से, ठीक है। वहां से क्या चला जाएगा, पहले को शॉर्ट्स डिफरेंट एंसेस्ट्री कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन p2pq1 दिया हुआ है, इफ द एए एनिमल, वेरी इंपॉर्टेंट, एए एनिमल दे दिया, इसका मतलब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जो स्क्वायर में क्या है उसकी बात करती है। अब ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ये आपको पहचानना कि स्मॉल एए आ गया, इट मींस किसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रिसेसिव की बात है, बिल्कुल। तो ये क्यू स्क्वायर की बात कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर यहां पर 36% दे रखा है, और उसी को ही अपन 36/100 करके तो क्यों निकाल लें, तो क्यों अपना 0.6 आ जाएगा। ये पहले निकाल के बताया था डिटेल में मैंने आपको इस प्रकार, ठीक है, क्यू की वैल्यू आ गई, तो क्यू की वैल्यू 0.6, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकाल लें, तो पहले तो पी निकाल लें, तो पी तो आ जाएगा अपना 1 माइनस क्यू करके कितना आ जाएगा 0.4, और 2pq की बात कर रहे हैं, 2pq तो पी कितना है 2 × p 0.4 है भैया, 0.4 × यहाँ पर 0.6 है, 0.6, ठीक है, तो 6×4=24 और 2 = 48 और डायरेक्ट कितना जाएगा 48% आ जाएगा, करेक्ट। बस क्वेश्चन में पहचानना यही है कि क्या अपने को दे रखा है और क्या अपने को पूछा है, कौन सी इक्वेशन लगानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आइडेंटिटी वर्क से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बिल्कुल, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको वैल्यू पुट अप करनी है। जी, स्मॉल ए कहीं भी दे रखा है, रिसेसिव एलील बता रखा है, कैपिटल वाला दे रखा है, डोमिनेंट एलील बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे मूव करते हैं। फॉलोइंग इज गिवन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स, अभी-अभी अपने डिस्कशन इसका किया था, थ्रू जियोग्राफिकल टाइम पीरियड्स आइडेंटिफाई द जियोलॉजिकल पीरियड्स ABCD, इनको अपने को पहचान है ABCD, ठीक है, इसका मतलब एराज एपोक उनकी बात कर रहे हैं, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो अपने को पता है जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्वार्टरनरी कहलाएगा, तो डी क्वार्टरनरी आना चाहिए भैया, डी क्वार्टरनरी इस ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पर डी क्रिटेशियस आ रहा है, यहाँ पर डी टर्शियरी आ रहा है, यहाँ जुरासिक आ रहा है, तो आंसर ही डायरेक्ट कौन सा चला जाएगा, मन चला जाएगा, फिर भी क्रॉस चेक कर लें, कार्बोनिफेरस बिल्कुल एम्फीबियन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्बोनिफेरस गोल्डन पीरियड ऑफ एम्फीबिया कहलाएगा कार्बोनिफेरस। बी ट्रायसिक चला जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, जुरैसिक से ठीक पहले का जुरैसिक, इसका मतलब ऊपर आया है डायनासोर वाला जो टाइम था वो जुरैसिक था, बिल्कुल डायनासोर के पहले का टाइम है, हां वो ट्रायसिक हो गया, ट्रायसिक, और सी जो है वो क्रिटेशियस पीरियड हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर अपना वन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इंडिकेटेड बाय अकरेंस ऑफ ट्यूलिप मंगोलिया मैग्नोलिया एंड सासाफ्राज लाइक प्लांट इन सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना, तो इन प्लांट्स की प्रेजेंस जो है वो आप देखें नॉर्थ अमेरिका में भी देखे जा रहे हैं, चाइना में भी देखे जा रहे हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल या ऐसी स्पीसीज के मेंबर जो वर्ल्ड के डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाती हैं, ये क्या कहलाता है, इसको डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, तो मेंबर ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज हैं, ये क्या कहलाते हैं, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। इसी को ही अपन एक और एग्जांपल के रूप में याद रख सकते हैं बच्चों को, लंग फिशेज जो हैं वो लंग फिशेज भी किसका एग्जांपल है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन लंग फिश है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, ठीक है, अफ्रीकन लंग फिश है, तो ये जो एग्जाम्पल बनते हैं ये भी क्या है, अलग अलग अमेरिका में पाई जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, लेकिन है तो क्या सारी सारी लंग फिशेज ही है, इसका मतलब क्लोजली रिलेटेड होगी, स्पीशीज के ही मेंबर कहला गए, लेकिन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने के कारण वो भी क्या कहला गए, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहला गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के इवोल्यूशन की ये बात कर रहे हैं, तो सिलोकेंथ आर कंसिडर्ड एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया, अभी अभी अपन ने देखा भी था और एनसीईआरटी के पैरा में से ही बना हुआ क्वेश्चन है, कि सिलोकेंथ जो है वो क्या है, एम्फीबियन के ही एंसेस्टर कहलाते हैं, इसका मतलब फिशेज से अराइज हुए हैं ये एक्चुअल में, ठीक है, और इन सिलोकेंथ से आगे चलकर फिर क्या अपने एम्फीबियंस बने, डायनासोर वर डोमिनेंट ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा का जुरैसिक पीरियड गोल्डन पीरियड कहलाता है, किसका, डायनासोर्स का या रेप्टाइल्स का भी है, वन रेप्टाइल्स के लिए प्रॉपर आपको ध्यान है, मीसोजोइक एरा को रेप्टाइल्स का गोल्डन एज मानते हैं और डायनासोर्स के लिए स्पेसिफिक उसका पीरियड है जुरैसिक पीरियड, वो उसके लिए गोल्डन पीरियड, करेक्ट, अब पूछ रहे हैं पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है।
1938 लेटिमेरिया वाज कॉट इन साउथ अफ्रीका, अगर 1938 होता तो बात ठीक हो जाती, ठीक है। और 1838 बिल्कुल ये इसकी वजह से गलत हो गया, ये होना चाहिए था 1938, तो ये थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन है भैया, इसीलिए हम बार बार कहते हैं एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़े, बार बार पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इक्थियोसॉर्स वॉच, क्या है इक्थियोसॉर्स? तो अभी अभी इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन जो अपन ने देखा है उसमें देखा है सीलोकैम्प थे, उससे फिर एम्फीबियंस अराइज हुए, ठीक है। अब उन एम्फीबिया से जो है वो रेप्टाइल्स बनते हैं, इसका मतलब कुछ एम्फीबियंस जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ गए। अब उन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले रेप्टाइल में से कुछ वापस बैक चले गए ओशियन में, और ये जो एक्वेटिक रेप्टाइल्स बने वो एक्वेटिक रेप्टाइल्स ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। उसमें आपने देखा ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन, उसमें क्लियर दे रखा है ये बिल्कुल कि रेप्टिलिया जो इवोल्व हुए वो एम्फीबिया से आगे रेप्टिलिया इवोल्व हुए, जिनमें क्या हुआ धीरे धीरे सारे जो है वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन इनमें इवोल्व हो गए थे। लेकिन इन्हीं रेप्टिलिया में से कुछ रेप्टिलिया ऐसे भी हुए जो वापस जो है वो किसमें एक्वेटिक हैबिटेट के लिए एडेप्टिव हो गए, जिनको क्या कह दिया एक्वेटिक हैबिटेट वाले जो है वो रेप्टाइल्स इक्थियोसॉर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, रैंक द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अभी सर ने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि जो एनिमल का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस दे रखा है, प्लांट्स का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, दोनों ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको बार बार आप फ्लो चार्ट के रूप में लिखकर याद करें। इसको समझाने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइट प्लांट्स एंसेस्टर आए, उनसे फिर ट्रेकियोफाइट्स हुए, और इसी लीनिएज के दौरान बीच में से फिर कौन अराइज हुआ है, ट्रायोफाइट्स अराइज हुए हैं। इसका मतलब ट्रेकियो और क्लोरो के बीच में से ये अराइज हुआ है ट्रायोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट राइनिया प्लांट, इन दोनों के बीच के लीनिएज के रूप में जो है वो आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स हर्बेशियस लाइकोपोड्स इनका ओरिजिन हुआ। इसके बाद राइनिया हो गया, साइलोफाइटोन हो गया, और साइलोफाइटोन से आप देखें सबसे एडवांस में तो प्रोजिम्नोस्पर्म, और सबसे प्रिमिटिव की बात करें तो स्पिनोफिट और स्टेल जो प्लांट्स हैं उनका ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पर ये जो लीनिएज यहाँ से अराइज हुआ है, अब ये जहां आकर बल्ज हो रहा है ना, इसका मतलब उसका ओरिजिनेशन पॉइंट ये कहलाएगा, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट ये। अब ये जो प्लांट है इनका ओरिजिनेशन पॉइंट ये यहाँ से वाइड होना चालू हो गया है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली ये कहलाएगा, तो ये इसको स्टडी करने का एक तरीका है। अब क्वेश्चन में आ रहे हैं, आपने क्या दे रखा है, राइनिया सीड फर्न ट्रेकियोफाइट प्रोजिम्नोस्पर्म ये दे रखे हैं, तो राइनिया साइलोफाइटम सीड फर्न दे रखे हैं प्रोजिम्नोस्पर्म और प्रोजिम्नोस्पर्म दे रखे हैं, तो सीक्वेंस अपना राइनिया साइलोफाइटम प्रो और सीड फर्न ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कौन सा चला जाएगा अपना राइनिया टाइप एक सबसे फर्स्ट, सबसे पहले ये आ जाएगा ट्रेकियोफाइट, क्यों सबसे पहले ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर आ जाएगा, ट्रेकियोफाइट्स सबसे पहले आएगा, सी सबसे पहले आना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। सी के बाद इन्होंने ए दे रखा है, दोनों में ए आ रहा है, राइनिया आ रहा है, ठीक बात है। उसके बाद क्या यहाँ पर डी दे रखा है और वहां पर बी दे रखा है, डी प्रोजिम्नोस्पर्म पहले आने, प्रोजिम्नोस्पर्म पहले आएगा, और दिखा दें आपको प्रोजिम्नोस्पर्म पहले, ये देखो प्रोजिम्नोस्पर्म पहले आ रहा है, उससे फिर आगे सीड फर्न, सीड फर्न आ रहा है, क्यों? तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम हमने लिया है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट आ जाए तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट बिलोंग फ्रॉम साइनेप्सिड एंसेस्ट्रीज, वही फ्लो चार्ट ऐसे ही क्वेश्चन पहले आपके आया हुआ है बिल्कुल, अभी बताया था सर ने आपको, एक्सप्लेन किया था उससे फ्लो चार्ट से बिल्कुल, हमारा देखिए इसको, तो साइनेप्सिड एंसेस्ट्री से जो है वो कौन बिलोंग नहीं करता है, तो पेलिकोसॉर्स, टेरेनोडॉन, थेरैपसिड और मैमल्स, तो बच्चों को एक बार वो चार्ट अपन फिर से दिखा दें। हाँ, तो इस फ्लो चार्ट में अपन देखें, ये देखें सोरोप्सिड, साइनेप्सिड, और साइनेप्सिड से फिर पेलिकोसॉर्स, थेरैपसिड और मैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सोरोप्सिड सेपरेट रह जाता है। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन कि पेलिकोसॉर्स हो गया, थेरैपसिड, टेरेनोडॉन और मैमल्स, तो इसमें सेपरेट कौन हो गया, मैमल्स, थेरैपसिड और पेलिकोसॉर्स, ये तो सेम एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन टेरेनोडॉन जो है ये सेपरेट हो जाएगा, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, व्हेन टू स्पीशीज आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। हाँ सर,
मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है लेकिन रिप्रोडक्शन के रूप में आइसोलेशन है। हाँ, इस प्रकार की ये जो स्पीसीज होती हैं, क्या अप्रोच करोगे सर इसके लिए? सिबलिंग स्पीसीज कहलाएंगी ये, क्यों? और मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है लेकिन रिप्रोडक्शन इनमें हो नहीं सकता है तो ये सिबलिंग कहलाएगी। अब इसमें कुछ इस कंसेप्ट और भी दिया है, सिंक्रोनिक स्पीसीज। सिंक्रोनिक की अगर बात करें तो कौन सी स्पीसीज हो जाएंगी जो सिंक्रोनिक, क्रोनिक का मतलब टाइम पीरियड से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? करेक्ट। और सिमिलर टाइम पीरियड से रिलेटेड ये स्पीसीज कहलाएंगी। सिंपैट्रिक स्पीसीज जो हैं वो सेम प्लेस पर, जियोग्राफिकल एरिया सेम रहेगा उनमें, ठीक है, लेकिन फिर भी इवोल्यूशनरी सीक्वेंस अलग होने के कारण उनमें स्पीसिएशन हो जाता है, उनमें रिप्रोडक्शन आपस में नहीं हो पाता है, तो ये सिंपैट्रिक। एक एलोपैट्रिक और होता है, एलोपैट्रिक में क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल एरिया बदल जाएगा, याद रखना है आपको। सिंपैट्रिक में जियोग्राफिकल एरिया सेम रहेगा, एलोपैट्रिक में जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग हो जाएगा, उसके कारण वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। एलोक्रोनिक स्पीसीज, एलोक्रोनिक डिफरेंट टाइम पीरियड पे पाई जाने वाली स्पीसीज जो है वो क्या कहलाती है? एलोक्रोनिक। सिंक्रोनिक का ही ऑपोजिंग कहलाएगा ये, लेकिन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा अप्रोच हो रहा है? थर्ड वाला अप्रोच हो जाएगा, सिबलिंग स्पीसीज। क्यों सर? यस, चले आगे जी। 101, द प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म व्हिच अकर ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ देयर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग ये वो केमिकल्स हैं जो गैमेट के ऊपर पाए जाते हैं, जिसके कारण एक ही स्पीसीज के गैमेट एक दूसरे की ओर इंटरेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कहलाता है। इसका मतलब ये गैमेटिक आइसोलेशन एग्जांपल बन जाएगा, आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा। एक प्री गैमेटिक आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, तो प्री गैमेटिक आइसोलेशन तो डिफरेंट स्पीसीज के केस में, स्पीसीज ही अलग अलग हो गई तो फिर वो आपस में इनके गैमेट मिलेंगे नहीं, इसका मतलब गैमेट बनने से पहले ही आइसोलेट हो गई है वो। टेम्पोरल आइसोलेशन, इसका मतलब अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल में ब्रीडिंग सीजन जो है वो अलग अलग होते हैं, ब्रीडिंग टाइम अलग अलग होने के कारण जो आइसोलेशन आया वो टेम्पोरल आइसोलेशन या सीजनल आइसोलेशन है। बिल्कुल। बिहेवियरल आइसोलेशन, इसका मतलब एनिमल्स के बिहेवियर में चेंजेज आए, और इसको अपन बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जो मेटिंग कॉल होती है एनिमल्स में वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो डिफरेंट मेटिंग कॉल का पाया जाना एक बिहेवियरल आइसोलेशन का एग्जाम्पल बन जाते हैं। अरे क्यों भाई, चले आगे। नेक्स्ट 102, हाँ सर, हु प्रपोज दैट ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, या इसी को ही मैं कहूँ ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है सर अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, क्यों? करेक्ट। और इधर अगर बात करें अर्नेस्ट मायर की, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। अर्नेस्ट मायर जो है ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये आपको याद रखना भैया, अर्नेस्ट मायर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। और इधर अपने वॉन बेयर आ गए, वॉन बेयर फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी फादर, मॉडर्न बेयर। और टी डॉबजेंस्की, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी उसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा। या अपन ये भी कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स जो है वो डिस्कवर किया है डॉबजेंस्की ने, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के रेस्पेक्ट में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। और इस लाइन का मतलब है ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, कोई भी इंडिविजुअल जो है सर वो अपने एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी स्पीसीज की ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से वो उसकी स्पीसीज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 3, 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेप्टिलियन एंसेस्टर ऑफ मैमल, मैमल का रेप्टिलियन एंसेस्टर पूछा है, इसका मतलब अपना एक तो सोरोप्सिड बनता है, एक साइनेप्सिड बनता है, और मैमल्स कहाँ से आ जाएंगे, ये साइनेप्सिड एंसेस्टर यहाँ से आए, क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एंसेस्टर फॉर साइकेड्स एंड डाइकोटिलीडन्स, जैसे आपने पहले भी देखा था उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग साइकेट्स और डाइकोटिलीडन, चलो दिखाई देते हैं आपको, 98 क्वेश्चन था वो अपना, साइकेट्स और डाइकोटिलीडन, ये साइकेट्स रहे, ये डाइकोटिलीडन रहे, कॉमन एंसेस्टर कौन बन गया? सीड फंड बन जाता है, क्यों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही अप्रोच करते हैं अपना, आंसर कौन सा चला गया अपना, साइकेट और डाइकोटिलीडन का सीड फंड, ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट सर जी।
इजी क्वेश्चन है. अप्रोच करो बस प्रॉपरली इनको एंड सीआरटी पढ़ते हुए. 105 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज मोनोफाइलेटिक इवोल्यूशन. एनाजेनेसिस की ये बात कर रहे हैं, ठीक है. और दो शब्द हैं, एक है एनाजेनेसिस, एक है क्लैडोजेनेसिस. एनाजेनेसिस का मतलब है कि जो इवोल्यूशनरी लीनिएज है वो सेम रहेगा. सेम इवोल्यूशनरी लीनिएज या सीक्वेंस वाले जो इवोल्यूशन का पार्ट है वो क्या कहलाता है, एनाजेनेसिस. और क्लैडोजेनेसिस का मतलब है डिफरेंट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि कोई स्पीसीज ए थी, इस स्पीसीज से बन गई स्पीसीज बी, क्यों? तो ये तो क्या है, ये तो एनाजेनेसिस कहला रहे हैं. और अगर यही कोई स्पीसीज जैसे है ए, ठीक है, उसी के ही बाइफर्केशन के रिजल्टेंट जो है वो दो स्पीसीज, ये क्या कहलाता है, ये क्लैडोजेनेसिस कहलाता है. इसका मतलब यहाँ पर लीनिएज जो है वो सेम चलता जाएगा, बाइफर्केशन की बात नहीं करेंगे. और यहाँ जो है वो बाइफर्केट हो जाता है लीनिएज, क्यों? उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होती जाएगी. क्लैडोजेनेसिस में नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके साथ साथ एंसेस्ट्रल स्पीसीज जो है वो भी इसके साथ साथ मेंटेन है, इसलिए वहां नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगी. एनाजेनेसिस में नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगी, पहले वाली स्पीसीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है नेक्स्ट स्पीसीज में. तो ये जनरली एनाजेनेसिस को अपने क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते. बिल्कुल, इसको अपन ए और बी ना बोलकर ए वन और ए टू बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा. क्यों? सही है, क्योंकि स्पीसीज तो जो है वो क्या है, इसको A2 कहते हैं, A2 में कन्वर्ट. एक वर्ड और होता है एनाक्लेडोजेनेसिस. एनाक्लेडोजेनेसिस का मतलब है कि जैसे A है, उसी टाइम पीरियड के साथ जो है वो A1 जो है उससे A2 बन गया, और इसी इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के दौरान यहाँ B भी बन जाता है, अलग स्पीसीज भी बन जाती है. तो इसमें एनाजेनेसिस भी आ गया, क्लेडोजेनेसिस भी आ गया, तो ये कंबाइंड वर्ड क्या कहना गया. बहुत ही शानदार लॉजिक बताया, इसमें दोनों चीजें हो रही है, जहां एक एनाजेनेसिस के साथ साथ एक बाइफर्केट होते हुए नई स्पीशीज भी तैयार हो रही है. क्लियर? तो ये एनाक्लेडोजेनेसिस बन जाता है. तो कैन बी कंसीडर्ड एज मोनोफाइलेटिक या एनाजेनेसिस, इसका मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो एनाजेनेसिस का एग्जांपल कह रहा है. क्यों? नेक्स्ट 106, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. देयर वर फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट. तो जो सिंथेटिक थ्योरी की बात की है, तो उस दौरान यही बताया गया है कि इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक बने, सिंपल बात है. और ऐसा जो है ये किनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जो सिंथेटिक ओपेरिन और हेल्डन. हाँ बिल्कुल. कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ वर हाई टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, रिड्यूसिंग एटमोसफियर. तो हाई टेम्परेचर था उस समय, करेक्ट, और रिड्यूसिंग एटमोसफियर भी था. अगर ऑक्सीजन थी नहीं वहां पे, अगर यही सवाल पैदा हो जाए कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो वो बात तो गलत है. ऑक्सीजन तो थी, लेकिन सारी की सारी ऑक्सीजन कंबाइन हो गई थी हाइड्रोजन के हाथ में. क्यों? करेक्ट. तो ऑक्सीजन तो अवेलेबल थी, और यहाँ कह दे कि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ये बात सही है. बिल्कुल. तो देयर वर फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स, ये बात सही, और कंडीशन बिल्कुल ठीक है. देयर वर नो सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. बिल्कुल, सोर्स ऑफ एनर्जी तो था, सन भी था, और थंडर स्टॉर्म भी पाया जा रहा था, होते थे, लाइटनिंग भी पाई जा रही थी. हाँ, तो एनर्जी का सोर्स तो था. स्टैनली मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव भी किया था. बिल्कुल, इस टाइप की एनर्जी होती थी जिससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जैक्टली, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुए. ठीक बात है. वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली मोस्ट प्रिमिटिव इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक बोला है, बिल्कुल, ये सबसे पुराने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से है. और कंपाउंड इसलिए बोल दिया क्योंकि कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है, एटम्स का. And formed on the primitive earth, ये बातें बिल्कुल ठीक है. तो अपने से पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर टू करेक्ट कर रहे हैं. क्यों भाई? नेक्स्ट 107, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट क्या है. इसका मतलब प्रिमिटिव एटमोस्फेयर वाली कंडीशन जो है वो लेबोरेटरी में प्रोवाइड करवाएगी, और वैसे की वैसे ही जैसा रेनिंग हो रहा था उसके लिए कुछ पार्ट उन्होंने स्टेनले मिलर ने ले लिया, जैसे लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म हो रहे थे उसके लिए कोई फ्लास जैसी स्ट्रक्चर उन्होंने ले ली थी. प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का जो ओशियन का जो वाटर था उसको यू ट्रैप में ले लिया था उन्होंने. तो ये सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट मतलब सिमिलर कंडीशन वाला एक्सपेरिमेंट. तो अमीनो एसिड और सिंपल शुगर फैट सारे प्राप्त हुए थे. बिल्कुल, इसमें एक चीज ये बच्चों को याद रखनी है, अमाइनो एसिड कौन से प्राप्त हुए थे. तो आपको याद रखना है
एलेनिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। नो बच्चों चले आगे, नेक्स्ट 108। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य को खोजना है भैया, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर दिया करो जब भी नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन हो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एनसीईआरटी की ही है पूरी लाइन, कुड हैव ओरिजिनेटेड अबाउट 3BYA, बिल्कुल। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ जो है वो 3 बिलियन ईयर को पहले ओरिजिनेट हुई, अबाउट 2000 MYA, या इसको मैं 2BYA भी कह सकता हूँ, क्यों सर? यस सर, 2BYA। तो आप तो एक तो ये याद रखना भैया, मिलियन और बिलियन, 10^9, 10^6, ठीक है। अब इस मिलियन को आप बिलियन में कन्वर्ट करो तो ये तीन बिंदी जो हैं, ये 10^9 बनाने में हेल्प करेंगे, तो 2BYA। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ बिल्कुल ठीक बात रहता है, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 4BYA, बिल्कुल 4.5 ईयर अगो BYA पहले अर्थ का ओरिजिन, और उसके 500 MYA या 0.5 BYA, फर्स्ट लाइफ आ जाएगी। इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म एंड एक्टिव अबाउट 500 BYA, नहीं MYA होना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन है भैया, मिलियन ईयर अगो पहले जो है ये इनवर्टिब्रेट फॉर्म्ड भी हुए और उसमें एक्टिव भी हुए, तो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ गिवन डायग्राम सिमुलेटेड द रेन ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, रेनिंग हो रही है इसका मतलब टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, और यहाँ जो गैसियस फॉर्म बनी है जब यहाँ से पास आउट होगी तो इस कंडेंसर की वजह से जो है वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब रेनिंग कौन करवा रहा है यहाँ पर, ए वाला करवा रहा है, ए मतलब ऑप्शन नंबर, टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तब तक वो रेन नहीं बनेगी, वाटर तो कब आया, बिल्कुल टेम्परेचर वहां का 100°C से डाउन हुआ और रुकना शुरू हुआ, डायग्राम ही अपने पास आ गया, तो बच्चों को अपन चलो बता ही देते हैं। अगर इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सर वो बात कर लेता लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग के रेस्पेक्टिव फिर डी चला जाता है, क्यों? और अगर वो बात कर लेता प्रिमिटिव ओशियन की तो फिर वो यू ट्रैप अपनी चली जाती है, ये वाला चला जाता, क्यों? और अगर वो बात कर लेता कि अर्थ की सरफेस पर ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो भी पानी था वो एवोपरेट होता चला गया, तो इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी वाला रिप्रेजेंट कर जाता, ठीक है। तो इस डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डार्विनिज्म, डार्विनिज्म से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ब्रांचिंग डिसेंट बिल्कुल बात करते हैं, मेजर नहीं माइनर वेरिएशन की ये बात है, क्योंकि मेजर वेरिएशन तो जो है वो साल्टेशन वाली वो आ जाएगा, ये नहीं आएगा नेचुरल सिलेक्शन। और एक और बात, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, डार्विन के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से सवाल बनता है, ये भी याद रखें, एनसीईआरटी में दे रखा है की कांसेप्ट, और हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कांस्टेंट साइज ऑफ पॉपुलेशंस, बिल्कुल ये भी डार्विनिज्म को दर्शाता है, इसका मतलब मेजर वेरिएशन की बात डार्विनिज्म नहीं करता, डार्विन बात करता है माइनर वेरिएशन के बारे में। नेक्स्ट 111, कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये पॉइंट किसके लिए हैं, व्हिच ऑफ दीस पॉइंट आर रिलेटेड टू लेमार्किज्म, लेमार्किज्म से रिलेटेड, तो लेमार्किज्म से रिलेटेड अगर बात करें तो लेमार्क कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, क्यों? उस इंटरनल वाइटल फोर्स के कारण डिफरेंट नीड उसकी अराइज होती है, एनवायरमेंटल फोर्स लगता है और उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन करेगा, और यूनिक ऑर्गन की जो यूज या डिसयूज है उसी के कारण अगर यूज कर रहा है तो वो अगली जनरेशन में चला जाएगा, डिसयूज कर रहा है तो वो विलुप्त हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या लेमार्किज्म कह दो या इनकी थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक ही बात है, इसका मतलब ब्रांचिंग डिसेंट डार्विनिज्म का है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विनिज्म का है, लेकिन एनवायरमेंटल इफेक्ट यूज एंड डिसयूज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये तीनों ही पॉइंट किसके हैं, लेमार्किज्म के, और इसी एनवायरमेंटल इफेक्ट से पहले लेमार्किज्म का एक और पॉइंट आता है, वो आता है इंटरनल वाइटल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स, ठीक है। तो ये चार पॉइंट अपने बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तीन दिए हुए हैं, सी डी और ई, सी डी ई के अकॉर्डिंग सर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्यों? करेक्ट ऑप्शन अपना 4 चले। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट
strongly oppose the theory of inheritance of acquired character. तो लेमार्किज्म तो सर कह रहा है, लेमार्क तो कह रहा है कि कोई ऑर्गन अगर लगातार यूज हुआ तो वो इनहेरिट हो गया, आगे चला गया, और अगर यूज नहीं किया तो वो क्या हो गया, वो विलुप्त तो हो जाता है। क्यों? अब इसको अपोज किसने किया? जिन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को बताया, और थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म के अकॉर्डिंग विजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया, एक चूहा लिया, उसकी पूंछ काटी, लेकिन वो कटा हुआ पूंछ वाला जो चूहा है वो जब रिप्रोड्यूस करेगा उसके जो बेबी होंगे छोटे छोटे, वो सारे बेबी कैसे होंगे? पूंछ वाले ही होंगे भैया, उनके पूंछ गायब नहीं होगी। इसका मतलब कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, और ये कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी अपोज करती है किसका? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का। तो इसके लिए याद रख लेना कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है भैया, नेक्स्ट 113। Which of the following is not related to Alfred Wallace से related नहीं है? तो डार्विन जिन वैज्ञानिक से इन्फ्लुएंस हुए थे उन वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड वैलेस। अल्फ्रेड वैलेस ने एक लेटर भी लिखा था डार्विन को अपनी सूचनाओं के बारे में। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने भी बताया, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन ने भी बताया, और याद रखना दोनों ने अपनी इंडिपेंडेंट खोजें की थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ये नहीं थे। क्यों? तो कौन सा रिलेटेड नहीं है? वैलेस चार्ट बिल्कुल इन्होंने बताया था, मलाया आर्की पहले को, जैसे ही पे इन्होंने डिस्कवरी, जैसे डार्विन जो है उन्होंने गैलापागोस को किया था, गैलापागोस हो जाएगा इनके लिए, मलाया आर्की पहले को हो जाएगा। और कंट्रीब्यूशन टू डार्विनिज्म बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इन्होंने अपनी खोज को डार्विन को भेजा था, और मेजर वेरिएशन है माइनर वेरिएशन की बात करते हैं, ये पहले भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रिलेटेड नहीं है अल्फ्रेड वैलेस। ठीक है, नेक्स्ट 114। Select the mismatch pair of method for age determination of rock and their related specificity. एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमने केवल आपको ये C14 मेथड बताने के लिए किया है, पहले थोड़ा सा डिटेल में आया करता था, अब इतना डिटेल में ये आता नहीं है। ठीक है, तो आपको C14 मेथड जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो mismatch pair अपने से पूछा है, तो रिलेटिव डेटिंग मेथड जो है वो लिस्ट एक्यूरेट मेथड कहलाता है। इसमें दो डिफरेंट अवशेष जो हैं उनको आपस में क्या किया जाता है, फॉसिल्स को कंपेयर करके जो है वो उनके लाइफ पता की जाती है। तो लिस्ट एक्यूरेट मेथड है, ये बात तो ठीक है, अपने को तो मिसमैच पता करना है। K40 आर्गन मेथड यूज इन एड डिटरमिनेशन ऑफ होमिनिड फॉसिल, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाला जो मेथड है ये ईस्ट अफ्रीका में होमिनिड फॉसिल जो है उनको डिस्कवर करने के लिए काम में लिया गया था, ईस्ट अफ्रीका में काम में लिया गया था अफ्रीका। और इसमें होता क्या है कि टाइम के साथ साथ के 40 जो है ये किसमें कन्वर्ट होता चला जाता है, आर्गन 40 में कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, तो ये बात भी सही। C14 मेथड यूज इन एज डिटरमिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड फॉसिल, नहीं भैया गलत बात है, वेरी ओल्ड फॉसिल नहीं, रिसेंट फॉसिल, और जो लगभग कितने होने चाहिए 35,000 साल, ईयर्स, तो 35,000 ईयर्स पुराने जो फॉसिल्स हैं उनको डिस्कवर करने के लिए C14। तो मिसमैच अपना कौन सा आ गया, थर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड कहलाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी एविडेंस, दीज आर स्टडीड अंडर। तो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन इनमें किसकी बात की जाती है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर के रेस्पेक्ट में बात की जाती है, इसका मतलब एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी ये चला जाएगा। नेक्स्ट 116। व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन फॉर द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ब्लैक मॉथ इन द पॉपुलेशन ऑफ बिस्टन बिटुल एरिया। एक्चुअल में अगर सवाल ये पूछ लेता कि बिस्टन बिटुल एरिया किसका एग्जाम्पल बनता है तो वो तो नेचुरल सिलेक्शन चला जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट ओरिजिन हुआ है ब्लैक मॉथ का, कि व्हाइट पॉपुलेशन थी उसमें पहली बार ब्लैक मॉथ बनाए तो वो म्यूटेशन के कारण हुआ। क्यों? उसमें यही ध्यान देने की चीज है, क्योंकि कई बार इसी में गलती कर जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसका ओरिजिन, बच्चे क्या हुआ है, विष्णु बिटुल एरिया नेचुरल सिलेक्शन यार क्या हुआ एग्जैक्टली। तो फर्स्ट ओरिजिन का रीजन क्या बन गया, जीन म्यूटेशन, और एक्चुअल में ये है क्या नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल बनता है। Next 117. Match type of selection given in column A to the character in the column B and select the answer from the given course. तो ये आपको directional stabilizing descriptive, ये लगातार 3 सालों से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, important है याद रखना इसको। Directional selection क्या है,
स्टेबलाइजिंग क्या है, डिसरप्टिव क्या है, तो ये वाला पेज मैं काम में ले लेता हूँ क्योंकि इसमें अपने जगह नहीं है। तो सबसे पहले अपन तीन ग्राफ देख लेते हैं, क्यों सर? हाँ सर, जी सबसे पहले अपन बात करें कि अपना ग्राफ था ये वाला, ठीक है, और इवोल्यूशनरी टाइम के साथ साथ यही ग्राफ जो है ये कैसा बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है डोटेड फॉर्म में। इसका मतलब जो दोनों एक्सट्रीम पे जो पाए जा रहे थे वो तो संख्या अभी भी कम बनी हुई है, लेकिन जो मीन पाया जा रहा था उस मीन की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये क्या कहला गया, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहला गया। मीन वैल्यू बढ़ती है तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आप देखें अगला, पहले तो आपने क्या था ग्राफ, ये पाया जा रहा था किसी पॉपुलेशन का, उसके बाद ये जो ग्राफ है ये डॉटेड फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला बन गया। इसका मतलब ये शिफ्ट हो गया है किसी एक डायरेक्शन की तरफ, या इधर भी शिफ्ट हो सकता है डॉटेड, या इधर भी आ सकता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन कह देंगे। क्यों? ऊपर डॉट का सिलेक्शन है वो डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल बनता है। तो ये तो हो गया अपना स्टेबलाइजिंग, ये हो गया डायरेक्शन। और तीसरा है, अगर ये वाला ग्राफ दिया हुआ है और इसी से फिर आगे डॉटेड फॉर्म में बता रखा है कि कुछ टाइम के बाद जो है ये इस प्रकार की पॉपुलेशन बन जाती है, इसका मतलब है दोनों एक्सट्रीम वाले जो थे वो तो क्या हो गए, नंबर बढ़ गया उनका, और जो पहले मीन पे पाया जा रहा था उनका नंबर घट गया यहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है, डिसरप्टिव। इसका मतलब एक पॉपुलेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, ये डिसरप्टिव सिलेक्शन कहलाता है। तो अब इसमें आ जाए, डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब किसी एक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो जाना, इसका मतलब मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू नहीं होगा, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू टू बोथ एंड, बोथ एंड पे नहीं, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, इसका मतलब ए का कौन सा चला जाएगा अपना थर्ड चला, ठीक है। अगला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग का मतलब है मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू, तो ये फर्स्ट चला जाएगा। डिसरप्टिव सिलेक्शन का मतलब है अपना कौन सा हो जाएगा, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू टू बोथ एंड, बोथ एंड मतलब ये दोनों एंड जो है ये ज्यादा हो जाता है, तो इसका कौन सा चला जाएगा अपना सेकंड। तो इसका मतलब ए बी सी के लिए 3 1 2, ए का 3 और उसके बाद में 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई? तो ये हमने आपको समझा भी दिया है, इस प्रकार अच्छा क्वेश्चन है ये, हर साल पूछा भी जाता है। हु प्रपोज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एज रिजल्ट ऑफ सॉल्टेशन, इसका मतलब सॉल्टेशन ये वर्ड जो है ह्यूगो डिब्रीज ने काम में लिया म्यूटेशन के लिए, क्यों सर? यस सर। तो ह्यूगो डिब्रीज के रेस्पेक्ट में कौन सा चला जाएगा, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इसी के ऊपर ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट दर्शाए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ए साइंटिस्ट वर्किंग ऑन गैलापागोस आइलैंड, ये तो कौन हो जाएंगे, डार्विन हो जाएंगे अपने। ये जो बात हो रही है क्वेश्चन की, ये तो हो रही है ह्यूगो डिब्रीज, और ह्यूगो डिब्रीज के लिए हर्ड चला जाएगा अपना। गैलापागोस आइलैंड के लिए बात करें डार्विन हो जाएंगे। मिराबली जलापा की बात करें कोरेंस, तो कार्ल कोरेंस हो जाएगा, कार्ल कोरेंस जेनेटिक्स पे किए थे इन्होंने मिराबली जलापा, कार्ल कोरेंस। और इधर साइंटिस्ट वर्किंग और मलाया आपके पहले को अभी अपने अल्फ्रेड वेलेस हो जाएगा। तो ये अपना 118, तो आज का अपना इवोल्यूशन का जो पार्ट है वो यही कंप्लीट होता है। नो डाउट हमेशा समझते हैं आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, और वो तो आपके जो कमेंट्स आते रहते हैं उससे अपने आप ही पता लग जाता है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो इसको। तो काफ़ी फ्रूटफुल है, हमने कुछ टॉपिक्स जो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, और रैपिड रिविजन के लिए एक परफेक्ट ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 इवोल्यूशन का ही रहेगा अपना। तो सर इजाजत दें, ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।